हर साल इंडिया में हजारों लड़कियां हजारों महिलाएं गायब हो रही, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू NCERB डेटा, थाउजेंड ऑफ वुमेन्स हर साल ट्रैफिकिंग, वायलेंस इन एक्सप्लोजन जैसे अपराधों के शिकार हो जाती है। ये हो सकती है स्कूल जाती आपकी बच्चियां, या हो सकती है कॉलेज से लौटती आपकी बहन, जो शिकार हो जाती है मर्डर, किडनैपिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग जैसे भयानक जुर्मों की। घटना है मुंबई महाराष्ट्र की, जिनमें शामिल है पूजा, उनकी मम्मी पापा और उनके दो भाई। हर दिन की तरह आज का दिन भी एक नॉर्मल दिन था। पूजा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, उनके भाई उन्हें छोड़ने जाने वाले थे, लेकिन पूजा अनजान थी उस घटना से जो आज उनके साथ घटने वाली है। पूजा को उनके भाई स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जहां से पूजा के भाई उन्हें रास्ते में ही छोड़ के वापस आ जाते हैं। और इसी बीच पूजा के साथ कुछ भयानक घटना घटती है। रास्ते में दो लोग मिलते हैं और पूजा को आइसक्रीम का लालच देते हैं। आइसक्रीम का लालच देकर के सबसे पहले तो पूजा को किडनैप कर लिया जाता है, और उसके बाद इनको दूसरे जगह लेके जाया जाता है। वहां पे इन्हें पहले तो 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है। 7 साल की बच्ची है सिर्फ पूजा, याद रखिए। बेल्ट से पीटा जाता है और इन पे नजर रखी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2021 तक इन 3 सालों में ही 13 लाख से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां लापता हुई हैं, जिसमें 10.6 लाख अबव 18 साल के हैं और 2.5 लाख से ज्यादा लड़कियां हैं वो 18 साल से कम उम्र की हैं। ये तो रहा सिर्फ मिसिंग का डेटा, जिनमें पता नहीं है कि उन बच्चियों के साथ क्या हुआ है, उनका किडनैपिंग करके उन्हें क्या करा गया है। लेकिन और जो डेटा है वो और भी ज्यादा डरा देने वाले हैं, जो बच्चियों के साथ, जो महिलाओं के साथ हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चलता है कि रेप इज फोर्थ कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो बच्चियों के साथ, जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, वो फोर्थ कॉमन क्राइम बन गया है। अकॉर्डिंग टू 2021 NCERB डेटा, 86 रेप हर रोज होते हैं इंडिया में, जो कि डरा देने वाले हैं। अगर हम पूजा के स्टोरी को और भी आगे बढ़ाएं, तो पूजा कहती है ना उनके पास पैसे थे, सड़कें अनजान थी और ना ही कोई फोन जिससे वो घर वालों को संपर्क करे, और अगर गलती से फोन मिल भी गया तो वो किसके पास कॉल करेंगी, क्योंकि उन्हें तब किडनैप कर लिया गया था जब वो सिर्फ 7 साल की थी। समय बीतता जाता है, अब पूजा 16 साल की हो चुकी है, उन्हें घर से गुम हुए, किडनैप हुए 9 साल हो चुके हैं। अब इतना समय बीतने के बाद जिन्होंने इन्हें किडनैप करा था, उन्हें लगता था कि अब तो इतना साल हो गया, क्या ही इसको कोई पता होगा, कुछ याद होगा, कैसे ये कभी भाग पाएगी यहाँ। इसी बात का फायदा उठाते हुए पूजा एक दिन क्या करती है, रात को जाती है और फोन ले आती है। अब आप पूछोगे ये फोन किसका था, ये वही लोग थे जिन्होंने इनको किडनैप करके इनसे काम करवाते थे, दूसरे को घर पे काम करने के लिए भेजते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस समझ सकते हो। ये क्या करती है, फोन उनका लेके आती है, और ये फोन लेकर के अब क्या करेंगी, इनके पास नंबर नहीं है। एग्जांपल के लिए आप सोचो एक बार कि अगर आप रहते तो किसके पास कॉल करते। हो सकता है आप पुलिस के पास कॉल करें, लेकिन आप अनजान हैं उस जगह से जहां पे आप हैं, तो पुलिस भी आपको खोज नहीं पाएगी। हो सकता है नंबर को ट्रैक करा जाए, लेकिन क्या पता कि सच में वहां पे हेल्प हो पाती कि नहीं। पूजा हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि कैसे यहां से एस्केप करा जाए। इसी बीच क्या करती है कि फोन पे यूट्यूब पे जाती है और सर्च करती है अपना नाम। जैसे ही अपना नाम सर्च करती है, 6 साल 7 साल पहले की एक न्यूज़ उनके सामने खुलती है, जिनमें उनके मिसिंग के बारे में एक वीडियो बनाया गया होता है। मिसिंग वाले वीडियो में उनको एक पोस्टर मिलता है जिन पे वो फोटो चिपकाया गया होता है, और उसके नीचे ही एक मोबाइल नंबर मिलता है। अब इनके पास मोबाइल नंबर भी था जिस पे ये संपर्क कर सकती थी, लेकिन अभी भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि हो सकता है मोबाइल इतना पुराना हो गया हो तो क्या फोन लग पाएगा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी पूजा हार नहीं मानती है, हिम्मत जुटाती है, क्योंकि यहां से कैसे भी करके ये निकलना चाहती है। फिर अगले सुबह इन्हें काम के लिए भेजा जाता है, जहां पे ये काम करती हैं दूसरे के घर पे जाकर के। वहीं पे एक और महिला काम कर रही थी, उन्हीं से ये हिम्मत जुटा करके अपने बारे में बात करती है कि क्या इनके हेल्प करेंगी। दूसरी जो महिला वहां पे काम कर रही थी, उनकी हेल्प करने के लिए मंजूर कर लेती है, और ये क्या करती है कि वही नंबर जो पोस्टर पे नंबर मिला हुआ था वहां से कॉन्टेक्ट करती है, उनकी माँ से बात करवाते हैं, वीडियो कॉल पे उनकी माँ बात करती है और बर्थ मार्क के बारे में बात करती है, जन्म चिन्ह जिसके बारे में सिर्फ पूजा की माँ को पता था। जिसके बाद पूजा की माँ कंफर्म कर लेती है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है, और उसके बाद तो एक तरीके से भावुक जो होती है ना, उन्हें लगता है कि हाँ अब तो मेरी बच्ची मिली गई। देवेंद्र नामक महिला जिन्होंने यहाँ से पूजा को भागने में, स्किप करने में हेल्प करी थी, वो भी कहती हैं कि हर माँ को उसके पास आए बच्चे की मदद करनी चाहिए। हम भले ही उन्हें जन्म नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बच्चे हैं, हमें हर सबकी मदद करनी चाहिए, हर एक बच्चे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद पूजा वापस घर आती है, सब लोग भावुक हो जाते हैं, हर पड़ोसी उनसे मिलने आता है। उसके बाद पूजा शॉक होती है कि इतने साल बाद पूजा अपनी मम्मी से मिली थी। तब जाके ये पूजा अपने घर के इकोनॉमिक कंडीशंस में हेल्प करती है माँ की, क्योंकि पापा 2 महीने पहले ही इनके गुजर गए थे। इस स्टोरी ने सच में आपको इमोशनल कर दिया होगा, क्योंकि इस एस्केप करना इतना आसान भी नहीं था। एक बार सोचिए, ये तो एस्केप हो गया, उन बच्चियों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ क्या होता होगा जो एस्केप नहीं करते होंगे। हर साल इतने हजार लोग किडनैप हो जाते हैं, इतने हजार लोग मिसिंग हो जाते हैं,
बहुत ही दुखदेह बात है। जब हमने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और ये पता करने की कोशिश करी कि आखिर पैटर्न क्या है, वजह क्या है कि ये लड़कियां लापता हो जा रही हैं, बच्चियां लापता हो जा रही हैं या फिर ये औरत लापता हो जा रही हैं, तो हमने कई सारे पैटर्न नोटिस करे, कई सारे कारण हमें पता चला, जिनमें सबसे पहला कारण है डोमेस्टिक वायलेंस एंड एब्यूज़ है। कई सारे ऐसी महिलाएं हैं इसलिए लापता हो जाती हैं क्योंकि घर पे डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं। वो घर पे वापस जाना नहीं चाहती हैं क्योंकि फिर से उनके साथ वही घटना घटेगी जो पहले घट रही थी, और इसीलिए उन्हें मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरा कारण है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसा कि हमने पूजा के केस में देखा, पूजा कैसे लापता हो गई थी, बीच से उन्हें उठा लिया गया था, वैसे ही कई सारे बच्चियाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हो जाती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बच्चों को किडनैप करा जाता है, वो लड़कियाँ और लड़के भी हो सकते हैं इसमें। यहाँ पे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उनसे फोर्स लेबर का वर्क करवाया जाता है, मतलब उन्हें किडनैप करके उनसे एक ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। अगर वो छोटे हैं तब, अगर बड़े हो जाते हैं तो गलत काम भी हो सकते हैं, उन्हें दूसरे जगहों पे ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाता है दूसरे देशों में। इन केस में ऐसी घटनाएँ घटती हैं। तीसरा हमने देखा कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। कई सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं कि जैसे हमारे घर पे लोग कहते हैं कि अब बच्ची बड़ी हो गई है तो इसे शादी करवा दो, बाद में ससुराल में जाएगी, आराम से पढ़ाई लिखाई करेगी। लेकिन बच्ची वहाँ पे पढ़ना चाहती है, सच में वो ग्रो करना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि उसके साथ ऐसा कुछ करा जाए, उसकी शादी करी जाए। तो इस केस में वो घर छोड़ना ज़्यादा प्रेफर करती है कि कैसे भी करके वो अपना गोल अचीव करना चाहती है और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। तो इस केस में भी लड़कियाँ घर से निकल जाती हैं और उन्हें मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। चौथा कारण है इकोनॉमिक हार्डशिप। इस केस में क्या होता है कि बच्चियाँ जो गरीबी की शिकार हैं वो चाहती है हमें बेहतर लाइफ मिले, इसलिए घर से निकलती हैं कि इन्हें कहीं बेहतर लाइफ मिले, कहीं अच्छा सा जॉब मिल जाए। और इस केस में कई बार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग किडनैपिंग की शिकार हो जाती है और फिर से वही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का सामना इन्हें करना पड़ता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं, वुमेन सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे और भी तो देश हैं, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा क्राइम नहीं होता, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बच्चियाँ मिसिंग नहीं होती, वहाँ पे कुछ तो अच्छा कर रहा होगा ना गवर्नमेंट वहाँ की, जिससे ये बच्चे बच्चियाँ ये लड़के वो औरतें सुरक्षित हैं। हमें भी कुछ ऐसे ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें सिखाना होगा सेल्फ डिफेंस, हर क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। मिसिंग पर्सन के लिए हम स्ट्रेंथ रिपोर्टिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ रिपोर्टिंग को बढ़ावा देते हैं, अगर कोई गुम हो जाता है उन पे हम अगर मीडिया में न्यूज़ फैलाते हैं, उससे क्या होगा कि हम फास्टर रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी जो बच्चे गायब हुए हैं उन्हें हम खोज सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, सेफ पब्लिक प्लेस बना सकते हैं, ताकि बाद में जाकर के किसी को ये स्टेटमेंट ना देना पड़े कि आपके साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि आप रात को घूम रहे थे या फिर आप छोटे कपड़े पहने हुए थे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट ना देना पड़े अगर हम सिक्योरिटी को ध्यान रखते हैं। तो ये तो रहे ऊपर ऊपर की बातें जिन्हें हम सुधार करके कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ हद तक सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सोसाइटी के हम सोच को कितना सुधार पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की सोच सुधारी जाए। और इसमें सबसे पहले तो हमें औरतों को ऑब्जेक्टिफाई, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना होगा। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कई बार कि दो लोग लड़ रहे हैं तो लड़ते लड़ते तुरंत किसी के घर की माँ को, किसी के घर के बहन को लेकर के वहाँ तुरंत आ जाते हैं, उन पर गालियाँ देने लगते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को कॉमन बनाते हैं। अगले बार से जब किसी का होगा तो आपको लगेगा कि ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि आप पहले से ही आप गालियाँ दे करके उस चीज को कॉमन कर दिया आपने। इसलिए सोसाइटी की सोच को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है। इनके जस्टिस के लिए आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी जरूर लगाते हो, लेकिन क्या कभी अपने सोच को सुधारते हो, इनके बारे में आप क्या सोचते हो? पहले दिन तो आप खूब स्टोरी लगाते हो कि इनके साथ ये घटना हो गई है, इन्हें जस्टिस चाहिए, और अगले ही दिन गली में निकलते हो और फिर आप शुरू कर देते हो वहीं किसी के माँ को लेके आ गए, किसी को बहन को लेके आ गए। इसीलिए तो कहा गया है ना कि सोच बदलो तो देश बदलेगा। उनका नेगी की लाइन है एक, हर कदम सोच कर बढ़ा नई पहल की उम्मीद जगा, ना हो नारी अपमान कहीं ना कन्या भ्रूण हत्या, यह संकल्प लेकर दुनिया को बता बलात्कारियों का सर झुका, हर नारी को सम्मान दिला ना हो कोई निराश, उम्मीद की आस बढ़ा चल पड़ मंजिल की ओर, समाज को जगा सोच बदलो तो देश बदलेगा। उम्मीद है आप भी अपने सोच को बदलेंगे और भारत को एक बेहतर समाज देने में हमारे कोशिश में अपना भी हाथ बटाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।